बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, बाद रखे, फूलों की तरह खिलते रहो, मुस्कुराते रहो। हमारे चैनल पर नए हैं, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा, खूबसूरत, क्यूट क्यूट सा आइडिया लेकर आई हूँ, जो कि क्रॉस स्टिच, जिसे हम 4 सूती, 8 सूती, 2 सूती बोलते हैं। ये कपड़ा सूती होता है, बिल्कुल पेवर सूती। इसके अंदर खाने बने होते हैं, जिससे हम 4 सूती बना सकते हैं। ये आपको एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, ये आपको नेट के ऊपर बना हुआ नज़र आ रहा है। आज की डिज़ाइनिंग में मैं आपको गोल टांका बनाना सिखा रही हूँ 4 सूती में। 4 सूती में ये गोल टांका आपको वैसे ही नज़र आ रहा है, ऐसे ही आप बना लें अपनी च्वाइस के मुताबिक। इनके कलर लगाएँ, कलर बनाकर अपनी मर्ज़ी से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। देखो डिज़ाइनिंग कितनी ज़बरदस्त है। इस डिज़ाइनिंग से आप बेडशीट बना सकती हैं, तकिया बना सकती हैं, सोफ़ा कवर बना सकती हैं, चेयर कवर बना सकती हैं, अपने जानमाज बना सकती हैं, अपना मैट बना सकती हैं अपने रूम में बिछाने के लिए। अगर आपने पूरी चादर इस डिज़ाइन से अगर बना ली तो कमाल होगा, देखने वाला पीछे का बाजी। इतनी मेहनत किसने की? जिन बच्चियों को मेहनत करने की आदत होती है उन बच्चियों को बुरा नहीं लगता, वो बड़े शौक़ से करते हैं। जैसे मुझे मेहनत करने की बहुत आदत थी, मैं सोचती थी दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना वो मैं करूँ, और बहुत ज़्यादा गहरा करूँ, हल्का फुल्का ना करूँ। घर वाले कहते थे इतनी मेहनत करती हैं, इतनी करती हैं, इतना गहरा काम ना किया करें, हल्का फुल्का किया। एक जुनून की हद तक शौक़ था कि जितना ज़्यादा गहरा करेंगे देखेंगे तो देखने वाले खुश होंगे। दूसरों की खुशी चाहते हुए मैं अपनी बहुत मेहनत करती थी। मेहनत से ही लगन है, मेहनत से ही आज मुझे अल्लाह ने नवाजा हुआ। मेहनत और सब्र और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारे काम आएगा और कुछ नहीं आएगा। हमारी बदतमीजी, बदखलाकी किसी काम की नहीं। बदखलाकी तो हमें अगले जान में भी जाकर जहन्नम में डाल देगी। अगर हमने अखलाक अच्छा किया तो अल्लाह ताला को हमारा सबसे अच्छा काम अखलाक अच्छा लगता है। दूसरों को खाना खिलाना, प्यार से बोलना, घर में मेहमान नवाजी अच्छे से करनी, कोई मेहमान आ जाए तो प्यार से बात करनी, उसके लिए अच्छा दस्तरखान, अच्छी प्लेटें लगाएं। ये नहीं अमीर के लिए अच्छी प्लेटें हों, कांच की हों, गरीब के लिए स्टील की हों, नहीं, बुरी बात है, ये तो अल्लाह को पसंद नहीं। जब आपने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है तो अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं रखो। जैसे जिस बर्तन में आप अमीर को खिला रहे हैं उसी में अपने गरीब को खिलाएं। गरीबों के भी सीने में दिल होता है, देखते हैं सब कुछ पर कुछ नहीं कर सकते, अपने अल्लाह से फरियाद कर सकते हैं। अल्लाह से जो फरियाद करता है उसको सब कुछ मिल जाता है। जब आप ये YouTube से 4 सूती का काम सीख चुके हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि जब आपकी अर्निंग लग जाए तो उस अर्निंग में से 25% हिस्सा अल्लाह के नाम पर निकाल के रखा किया करें हर माह, ताकि किसी गरीब यतीम मस्कीन बच्चों की कफालत कर सकें। रोज़ाना डेली का काम ये है, जब आटा गूंदने लगें तो 2 रोटी का आटा ज़रूर फालतू डाला करें, ताकि आपके घर पर कोई मेहमान आए, मिलने जुलने वाला आए, वो अपना खाना खा जाए। चाय बनाने लगें तो 1 कप दूध या 2 कप फालतू डाल लें, ताकि कोई हमसाया या कोई बहन भाई आएगा तो अपने नसीब की चाय पी लेगा। जब आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उससे गुरूर से खबर मत करना, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपके माल में उस गरीब का, मेहमान का हिस्सा डाला है कि मेहमान आपके घर पर आएगा, खाना खाएगा, आपको वसीला बनाया कि आप उसकी मेहमान नवाजी करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला सब काम इन नासिर है, सब की बात सुनने वाला अल्लाह भी।